नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। यहां हम आपको दिखाएंगे हर राज्य से जुड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें और लाइक करें ताकि हर खबरों की अपडेट सबसे पहले मिले आपको। धूमधाम से मनाया गया विभिन्न स्कूलों में गणतंत्र दिवस। बच्चों ने प्रस्तुत किए रंगारंग कार्यक्रम। गणतंत्र दिवस का दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे हमें महान स्वतंत्रता सेनानियों ने देशभक्ति का जज्बा दिखाकर स्वतंत्रता हासिल कराई। ये वजह है कि इस त्यौहार को महान उत्साह और भव्यता के साथ मनाया जाता है। यह दिन राष्ट्रीय गौरव का दिन है, हमारे संविधान के विभिन्न मूल्यों की याद दिलाता है जो भारत की सभी जाति वर्ग के लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। इस दौरान ओम पब्लिक जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य हंसराज ने देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हुए सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना क्योंकि 1930 में इसी दिन भारत को पूर्ण स्वराज की घोषणा की। इस दौरान सभी स्कूल के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति गीतों का समा बांधा। सर, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए ओम पब्लिक जूनियर हाई स्कूल की तरफ से? सर, ओम पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में हम 26 जनवरी प्रतिवर्ष मनाते हैं। इस बार भी प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी बड़े धूमधाम से हम 26 जनवरी मनाते हैं। इसमें हम अपने भारत के उन महान विभूतियों को याद करते हैं जिन्होंने अपने सर्वस्व त्याग करके हमारे देश को आज़ाद कराया। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को लिखा गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इस दिन को यानी संविधान को लागू किया गया। तब से हमारा भारतीय संविधान चल रहा है। विश्व का सबसे लंबा संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है, यानी कि हम 26 जनवरी को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ अपने विद्यालय में मनाते हैं और विद्यार्थियों को यही संदेश देते हैं कि तुम भी कुछ इन महान पुरुषों की मतलब चरित्र का अनुसरण करके आगे बढ़ने की चेष्टा करो, जिससे कि हमें प्रेरणा मिले कि हम भी आगे भारत को एक विकास एक विकसित राष्ट्र के रूप में देख सके। इसमें हमारा योगदान